दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी आदत के बारे में जिनको इख्तियार करने से इंसानी सेहत काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों पानी का कम पीना। दोस्तों जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हाइड्रेट रहने की वजह से आपकी याददाश्त और आपका मूड मुस्तहकम रहता है। यानी पानी का कम पीने से इंसान बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ों से महरूम हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में मौजूद गुर्दे इंसान के अंदर जहरीले मादे को साफ़ करने में मदद देते हैं। यानी अगर पानी कम पियेंगे तो इतने सारे फ़ायदों से आप महरूम हो जाएंगे। दोस्तों लिहाजा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। फैक्ट नंबर 2, रात को देर से सोना। दोस्तों रात को देर से सोने से भी काफ़ी बड़ी बीमारियाँ इंसान को लग सकती हैं। अगर रात देर सोने से आपकी नींद पूरी ना हो तो इससे आपके दिल पर भी काफ़ी बुरे असरात पड़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें वक्त पर सो जाया करें। फैक्ट नंबर 3, रात देर से खाना खाना। दोस्तों रात देर से खाने से भी आपके मैदे का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, इसलिए कोशिश किया करें वक्त पर खाना खाया करें, क्योंकि रात को देर से खाना खाने से आपके मैदे का निज़ाम हाजमे का निज़ाम काफ़ी ख़राब हो जाएगा और आपकी सेहत काफ़ी ख़राब हो सकती है, इसलिए कोशिश करें वक्त पर खाना खा लिया करें। फैक्ट नंबर 4, रोज़ाना वर्जिश ना करना। दोस्तों रोज़ाना वर्जिश करने से इंसान की तवानाई और उम्र में इजाफा होता है, इंसान के दिल पर काफ़ी अच्छे असरात मरतब होते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि किसी जिस्मानी सरगर्मी में हिस्सा लें, क्योंकि वर्जिश ना करने से भी इंसानी सेहत पर काफ़ी बुरे असरात पड़ते हैं और इंसान काफ़ी सुस्त हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। दोस्तों तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा मुसलसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी में लाइक हो सकते हैं और ऐसे लोग तनाही और अलहदगी को पसंद करने लग जाते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।